देखें, यदि पहले बता दूं, ये जो अनसोल्ड क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अनसोल्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, यदि पी एन के केंद्र के बिंदु पी की कोटि हो, यानी कि कोटि का मतलब होता है वाई की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, वाई की वैल्यू, पी एन की कोटि हो और एन एल बिंदु एन से पी पर लंब। जैसे सबसे पहले एक कैटर्न ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई कैटर्न हो गई, ठीक है, अभी कैटर्न ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि बिंदु P, मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ पर है, तो ये कह रहा है पी एन, तो यहाँ से इसको मिला दो, कोटि बता रहा है, तो वैल्यू हो गई वाई, कितनी हो गई वाई, ठीक है, मान माना है इसको वाई है, ठीक है। और एन एल यानी कि एन एल बिंदु एन से पी पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, पी पर को स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखो इस टाइप से आ जाएगी, आ जाएगी, ये एंगल मान लेता हूँ कितना कितना जनरेट किया साइन, ठीक है, खींचेंगे स्पर्श रेखा पी पर, खींचेंगे स्पर्श रेखा पर लंब है, तो यहाँ से ये जो मिलाएंगे ये वाला, ये मान लेते हैं एल, ये लंब, ठीक है, ये इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो, देखिए कुछ चीजें, ये कोण कितना है साइन, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये भी 90, ये हो जाएगा 90 माइनस साइन, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा 90 माइनस साइन, क्योंकि देखिए अगर इनको अपन इसको एक तिर्यक रेखा लेते हैं, ये भी एक तिर्यक रेखा, तो इन ये और ये कोण बराबर होंगे, या फिर ऐसे भी करें ये 90 हो गया, ये टोटल 90 हो गया, ये 90 माइनस साइन है तो ये ओनली साइन हो गया, तो ये साइन हो गया, लेकिन ये पूरा कितना 90, ये कितना आ गया 90 माइनस साइन, तो ये कितना हो गया साइन, तो ये कितना हो गया 90 माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में दिया कि एन एल की जो वैल्यू वो तो सी दिखानी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो सी है, और पी एल की वैल्यू जो है पी और एल वो एस है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले त्रिभुज पी एल एंड में, पी एल एंड में, ठीक है, अपन जानते हैं ये वाला कोण कितना है, यहाँ पे साइन लगाएं, यहाँ पे लगाएं अपन साइन 90 माइनस साइन बराबर, ये देखें 90 माइनस साइन, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, लंब का मान कितना गया एन एल, एन और एल, और करंट कितना होगा पी एन, ठीक है, जिसमें पी एन की वैल्यू कितनी गिवन है वाई गिवन है, ठीक है। और तो इसको सोल्व करें आगे एन एल अपॉन में वाई, अब देखें साइन 90 माइनस साइन कितना हो जाएगा कोस साइन, कितना हो गया कोस साइन, और ये कितना हो जाएगा एन एल अपॉन वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एन एल का मान कितना आ जाएगा, एन एल का मान आ जाएगा वाई कोस साइन, ठीक है, ये हो गया एक नंबर समीकरण। लेकिन हम क्या जानते हैं कि कैटर्नी के बिंदु पी पर हम जानते हैं एट पॉइंट पी वाई का जो मान होता है कैटर्नी इक्वेशन में क्या होता है सी सेक साइन, ये होता है सी सेक साइन, तो वाई का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होता है एन एल बराबर सी सेक साइन, और ये कोस साइन, इससे ये कट गया, तो एन एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई सी, तो एन एल की वैल्यू कितनी आ गई सी, ठीक है। तो एक पार्ट तो सिद्ध हो गया, अब अपने को निकालना पी एल की वैल्यू, किसकी वैल्यू पी एल की वैल्यू, तो पी एल की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ कर देते हैं सोल्व, पी एल की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए पी एल चाहिए अपने को, यानी कि पी और एल चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है, और एन सी की वैल्यू अपने पास है, टेन वाला लगा दें, तो देखिए टेन टेन 90 माइनस साइन, इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में लगा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहा, आप लिखोगे त्रिभुज पे एल एन में, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये देखें लाल कक्का, ये होता है तो लंब, लंब का मान कितना हो गया इसमें, ये वाला एन एल एन और एल, और यहाँ पे कितना आ गया एन एल के बाद कितना आएगा यहाँ पे आधा, आधा कितना है पी एल, पी और एल अपने निकालना है पी एल, देखिए
टेन नाइनटी माइनस साइन ये हो गया कोट साइन, कोट साइन। एंगल का मान अपने को पता है सी कितना, सी और ये पी एल, पी एल इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा पी एल बराबर सी, पी एल बराबर सी और ये कोट फाइव के नीचे आएगा ऊपर जाएगा टेन साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा टेन साइन। अपन जानते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ पी जो इक्वेशन होती है वो एस बराबर सी टेन साइन ही होती है, तो ठीक है लिख देंगे एस बराबर सी टेन साइन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो सी टेन साइन किसके बराबर होगी, पी एल बराबर एस के बराबर। तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया, आप डायग्राम को अच्छे से बनाएं और इसको सोल्व करें, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है।